हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। तो दोस्तों, आज का हाउस प्लान कुछ हमने इस तरह से बनाया है कि आप इस हाउस प्लान को डाउनलोड किए बिना रह नहीं सकते। और दोस्तों, जो आज का प्लॉट है ये 30x60 फिट का है और ये ईस्ट फेसिंग प्लॉट है और आपको इस हाउस के अंदर 6 कमरे देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, आप चाहें तो आप 6 के 6 कमरे बना सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो उन कमरों को आप स्किप भी कर सकते हैं, आप जितने मर्जी चाहें यहाँ पर बना लीजिए। और दोस्तों, ये हमारा हाउस आज का पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया है और इसकी बाकी की डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी और जो इसके डाउनलोड लिंक्स हैं वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारी वीडियो की ओर चलते हैं। और क्या तो दोस्तों, इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आपको हाउस के फ्रंट में एक शानदार गार्डन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ अगर हम गार्डन से आगे चलें तो आपको यहाँ पर हाउस का पार्किंग एरिया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसका साइज 13x18 फिट का है, जो कि एक अच्छा साइज है। आपकी यहाँ पर बड़ी से बड़ी गाड़ी यहाँ पर आराम से पार्क हो जाएगी। बाकी आप इसका ओवरऑल व्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों, हाउस की एंट्री के लिए आपको यहाँ पर 2 डोर देखने को मिल जाएंगे। हम आपको जो दूसरा डोर है वो हम आपको अंदर से बाद में दिखाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हुए हाउस के ड्राइंग रूम एरिया की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये आ गया है आपके हाउस का ड्राइंग रूम एरिया। आपको यहाँ पर स्पेशियस रूम देखने को मिल जाएंगे और इस ड्राइंग रूम का साइज है आपका 13x15 फिट का। जो आपको यहाँ पर रूम वगैरह के साइजेस मिलने वाले हैं वो आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, इससे आगे बढ़ते ही आपको यहाँ पर हाउस का लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाएगा। इसका साइज 15 फीट 1.5 इंच बाय आपको 18 फीट और 3 इंच का देखने को मिल जाता है। और आप इस लिविंग एरिया की हाइट देख सकते हैं, आपको यहाँ पर डबल हाइट एरिया देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके लिविंग एरिया के लुक को और ज्यादा इनहेंस कर देगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं हाउस के पूजा रूम की तरफ। देख सकते हैं, आपको एक साइड में एक और डोर यहां पर देखने को मिल जाता है और ये आपकी हाउस में एक अलग से प्राइवेट एंट्री रहेगी। आप देख सकते हैं, आपका ये डोर हाउस के पार्किंग एरिया की तरफ जाता है। और इसके बाद हम अगर वापिस आए, आपको यहाँ पर हाउस का पूजा एरिया देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अच्छी सीलिंग और अच्छे आपको यहाँ पर कैबिनेट्स देखने को मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, अभी हम थोड़ा हाउस के पीछे की ओर चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं कि आपको हाउस के अंदर किस तरह का इंटीरियर लुक देखने को मिल जाता है और आपके हाउस का किचन आपको यहाँ पर किस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो देख लीजिए, ये आ गया आपके हाउस का किचन एरिया और इसका साइज 11x11 फिट का है। अगर आप यहाँ पर पूजा रूम नहीं बनाना चाहते तो आपका ये किचन एरिया यहाँ पर और बड़ा हो जाएगा, जो कि आपको किचन यहाँ पर 11x15 फिट का अप्रोक्स देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अच्छे कैबिनेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं हाउस के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अच्छी सीलिंग, सामने एक टीवी पैनल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इस रूम की वेंटिलेशन आपकी ओटीएस के थ्रू होगी, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। और इस बेडरूम का साइज आपका 15 फीट 1.5 इंच बाय 12 फीट का रहेगा, जो कि एक बहुत अच्छा साइज है। और दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं हाउस के ओटीएस एरिया की तरफ। आप देख सकते हैं,
ये है हाउस का OTS एरिया जो हाउस के बैक साइड में बना हुआ है और इसका साइज 5 फीट 9 इंच बाय 5 फीट का रहेगा। आप देख सकते हैं ये OTS आपको ऊपर तक ओपन देखने को मिल जाएगा। OTS का मतलब ही होता है ओपन टू स्काई। तो इसके बाद आपको इस रूम के साथ अटैच टॉयलेट भी देखने को मिल जाएगा और इस टॉयलेट का साइज 9 बाय 5 फीट का है, जो कि एक अच्छा और एक इनफ साइज रहेगा और इसकी वेंटिलेशन भी आपकी OTS के थ्रू होगी। तो दोस्तों इससे आगे बढ़ते हुए अभी हम चलते हैं आपके हाउस के लाइट रूम की तरफ। हमने इसको लाइट रूम का नाम दिया है। आप देख सकते हैं ऊपर आपको जाल मिल जाएगा और जाल के ऊपर हमने यहाँ पर एक मोटा ग्लास लगाया है जिसको हम टफन ग्लास बोलते हैं, जो कि आपकी सेफ्टी भी रहेगी और आपको हाउस के सेंटर में आपको अच्छी वेंटिलेशन और लाइट मिलती रहेगी। लाइट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट भी देखने को मिल जाता है और इस कॉमन टॉयलेट का साइज 6 फीट 6 इंच बाय 7 फुट और 3 इंच का रहेगा, जो कि एक अच्छा साइज है। और आप इस टॉयलेट को अपने हाउस के ड्राइंग रूम के साथ भी अटैच कर सकते हैं, वो आपके लिए ऑप्शन रहेगा। हमने नहीं किया है, हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा था। और दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर हाउस का वॉशिंग एरिया देखने को मिल जाएगा और इसका साइज 4 फुट 6 इंच बाय 4 फुट और 4.5 इंच का रहेगा। और दोस्तों आप इसी वॉशिंग एरिया के आगे अगर देखें तो आपको यहाँ पर एक और OTS देखने को मिल जाता है और इस OTS से इस वॉशिंग एरिया और जो हाउस का कॉमन टॉयलेट है इसकी वेंटिलेशन होगी। तो आइए दोस्तों इसके बाद हमारे हाउस के लाइट रूम से हमारे हाउस के सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो आपका ये सेकंड बेडरूम है और इसका साइज आपका 13 बाय 12 फिट का रहेगा। अच्छी आपको यहाँ पर वार्डरोब देखने को मिल जाएगी, अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन, सामने टीवी पैनल और इसकी वेंटिलेशन OTS के थ्रू होगी जो हमारे हाउस के बैक साइड में बना हुआ है, जो हमने आपको पहले फर्स्ट बेडरूम के टाइम पर दिखाया था। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम हाउस के फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं स्टेयर आपको यहाँ पर अच्छे साइज़ की देखने को मिल जाएगी, अच्छा आपको यहाँ पर स्पेस देखने को मिल जाएगा और जो हाउस का ड्यूप्लेक्स एरिया है आप उसका व्यू भी एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपका देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और जो आपके हाउस का बेहतरीन लुक होगा वो आपका यहीं से ही आएगा। तो आइए इसके बाद हाउस के ऊपर हमने अप कर लिया है। आपको यहाँ पर साइड में एक आपको अच्छा पैसेज एरिया देखने को मिल जाएगा और इसके बाद हाउस के हम थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं जो आपके फर्स्ट फ्लोर पर है। इसका साइज 15 फिट 1.5 इंच बाय 12 फिट का रहेगा, सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह। ऊपर अच्छी आपको वार्डरोब, सामने टीवी पैनल और आप AC के पॉइंट भी देख सकते हैं और इसकी वेंटिलेशन उसी OTS के थ्रू होगी। और आपको इस बेडरूम के साथ भी अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाता है और इस टॉयलेट का साइज 9 बाय 5 फिट का रहेगा। तो आइए इससे आगे बढ़ते हुए हमारे हाउस के हम सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर सामने एक कॉमन टॉयलेट भी देखने को मिल जाता है, हम इसको आपको बाद में दिखाएंगे। और जो हाउस का लाइट रूम एरिया है आप उसका भी यहाँ पर व्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपके हाउस का फोर्थ बेडरूम और इसका साइज 13 बाय 12 फिट का रहेगा। आपको यहाँ पर अच्छी सीलिंग और आपको अच्छा बैक वॉल डिज़ाइन और आपको इंटीरियर तो आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल ही रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे हाउस का कॉमन टॉयलेट जो कि हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है। आपके जो ग्राउंड फ्लोर का टॉयलेट है, जो कॉमन टॉयलेट है वो अलग है और ये अलग है और इसका साइज आपका यहाँ पर 6 फिट 6 इंच बाय 12 फिट का देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों जो आपका ये कॉमन टॉयलेट है ये आपको हाउस के फिफ्थ बेडरूम के साथ अटैच देखने को मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं ये है आपके हाउस का फिफ्थ बेडरूम, आपको यहाँ पर अच्छा इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। आपको एक साइड में सिटिंग के लिए सोफ़ा भी हमने प्रोवाइड किया है, आप चाहें तो आप इसमें वार्डरोब भी दे सकते हैं, हमने नहीं दी है। और आपको हाउस के फिफ्थ बेडरूम के साथ अटैच बालकनी भी देखने को मिल जाएगी, आपको यहाँ पर अच्छे साइज़ की बालकनी देखने को मिल जाती है, आप इसको बरामदा भी बोल सकते हैं।
और दोस्तों इसके बाद जो हमारे हाउस की बालकनी है ये आपको हाउस के सिक्स्थ बेडरूम के साथ भी देखने को मिल जाएगी। और देख सकते हैं ये है आपके हाउस का सिक्स्थ बेडरूम। इसका साइज 15 फीट 1.5 इंच बाय 11 फीट का रहेगा जो कि एक अच्छा और इनफ साइज है और आपका जो अंदर तो ये डोर आएंगे ही। तो दोस्तों इसके बाद हम हाउस के टेरिस एरिया की तरफ चलते हैं, आप इसका ओवरऑल व्यू देख लीजिए, उसके बाद हम हाउस के टेरिस एरिया की बात करेंगे। तो लीजिए दोस्तों हम हाउस के टेरेस पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अच्छा व्यू देखने को मिल जाएगा और जो लाइट रूम का जाल है वो आपका ऊपर से कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं ऊपर हमने यहाँ पर टफन ग्लास लगाया है और इसके आगे आपको यहाँ पर एक वुडन का डेक देखने को मिल जाएगा और अच्छी सीटिंग का भी हमने यहाँ पर इंतजाम किया है। और देख सकते हैं आपका फ्रंट में भी एक अच्छा हमने व्यू यहाँ पर दिया है और आर्टिफिशियल आपको यहाँ पर ग्रास देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पर एक अच्छा परगोला देखने को मिल जाता है। और दोस्तों बाकी आप इसका ओवरऑल व्यू देख लीजिए, जो इसके OTS वगैरह हैं वो ऊपर से कुछ इस तरह से दिखेंगे, आप इनको फाइबर ग्लास जाल वगैरह से ऊपर से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपको एक और अगली वीडियो में मिलते हैं और उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो हम अगली बार मिलते हैं एक और नई अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार।